ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में बस चलाने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड 400। ये एक नॉर्मल राइड रहने वाला है। बस आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द मोटरसाइकिल, किसको चलाने में कैसा फील है। हम लोग इसको भी पहाड़ के रास्तों में चलाएंगे एंड प्रोबेबली विल गो टू सम हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहाड़ के ऊपर। आई मीन लाइक विल ट्राई टू रीच टिल कर्शियांग और गीता पहाड़ समवेयर। तो यस, आज के इस वीडियो में इस बाइक को रिव्यू करते हैं, पहाड़ों में कैसा परफॉर्मेंस है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन दिस। पहले मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से मैं चलाऊँगा प्लीज़ डू नॉट राइड इन दैट वे। एंड इसमें शायद से पानी वगैरह गया है, इसलिए इसका कुछ तो मेल फंक्शन हो रहा है। इसका स्पीडोमीटर कभी काम करता है कभी नहीं करता है, सो सॉरी फॉर दैट। रेस्ट, एन्जॉय द वीडियो। No doubt in 400cc segment this bike really performs so well, it like pulls like zoop। But इसका एक चीज़ मुझे थोड़ा खटकता है कि जब आप इसको 4000-5000 RPM पे चलाते हो ना, it gives you that vibration, ऐसा लगता है कि थोड़ा buzziness है अपने इंजन में, वो थोड़ा सा फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेन यू आर अ हाई रेव बैंड, मतलब जब आप हाई RPM पे हो, दैट टाइम्स इट डजेंट मेक यू फील दैट यू नो पी उतना बजीनेस है। बट एट अ टॉप एंड, जब आप बहुत ज़्यादा टॉप एंड पर पहुँच जाते हो, तब थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ इंजन का रेव लिमिट में थोड़ा सा मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सीट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्टेस्ट सीट है एंड कंफर्ट मतलब स्पेशियस सीट है एंड सस्पेंशन इज़ गुड। मैंने मोनो सस्पेंशन होने के बावजूद भी सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका। अपोलो अल्फा का जो ग्रिप है ना इस टायर में, ओहो क्या मज़े। मतलब यू कैन लीन, यू कैन कॉर्नर, यू कैन आई मीन लाइक अलग ही लेवल का फन हो रहा है मेरे को तो इस बाइक को चला के। एक स्मॉल ब्रेक लिया हूँ मैं यहाँ पे
लाइक मैं जब भी आता हूँ राउंड टॉक मैं यहाँ पे आके रुकता हूँ बिकॉज दिस लोकेशन इज रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे से आपको सिलीगुड़ी वगैरह दिखता है, अभी तो चलो बादल है तो नहीं दिख रहा है, एंड दैट सी रोड वहाँ पे छोटा सा गाड़ी आपको दिख रहा है, यहाँ से घूमते हुए देन यू कैन कम ओवर दिस लोकेशन, अमेजिंग। अभी आगे जाएंगे, गीता पार से उठते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी ले रहे हैं बिकॉज ये गिद्दा पहाड़ को जाएगा, रोंगटोंग से सीधा गिद्दा पहाड़ का जो रास्ता है उस पर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। एंड यहाँ के घरों को देखो, रंग बिरंगे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई रेड है, कोई ऑरेंज है। एंड ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, बट इससे भी खतरनाक चढ़ाई आएगा उसके बाद वाले ब्लॉक पे, वो मैं बाद में डालूंगा। बट या आई मीन लाइक दिस लोकेशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये सलीम हिल जाता है, ये कौशांग की तरफ जाता है। बादल 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 पे घुसने वाले हैं थोड़ी देर में, और नेक्स्ट वाले व्लॉग पे तो यार वो ज़बरदस्त हो जाएगा बिकॉज इतना बादल है। तो आप सोचो जब मैं नेक्स्ट व्लॉग पे दार्जिलिंग की तरफ जाऊंगा तो कितना बादल होगा। नेक्स्ट व्लॉग विल बी अमेजिंग विद दिस मोटरसाइकिल, मेक श्योर यू वॉच दैट। हम लोग आ चुके हैं गिद्दा पहाड़ का रास्ता में एंड ये चढ़ाई चालू हो चुका है। अब ये बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स आएंगे जो कि बहुत शार्प है, एंड शार्प होने के कारण बहुत जल्दी आप एलिवेशन पे भी आप पहुंच रहे हो। एंड जब भी आप पहाड़ों में टर्न लो, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लेफ्ट से लो। आप अगर आपको अगर यहाँ जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लेफ्ट ले लो, तो क्या आपको स्पेस मिल जाता है लेने का। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से गाड़ी आ जाता है, तो नेवर डू दैट, ठीक है। ये मैंने आपको बस एक ट्रायल दिया क्योंकि रास्ता खाली है, डोंट डू दैट। और जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे चाय के बागान हैं, बट ऑल दिस माउंटेन्स आर फिल्ड विद चाय के बागान। और कशंग वाला रोहिणी वाला जो रोड है वो वहाँ पे कहीं पे है नीचे से जो आ रहा है, मैं एक बार आपको रुक के दिखाई देता हूँ। लुक एट दैट, वो रोहिणी वाला एरिया है एंड वहाँ से रोड आते 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 रोहिणी वाला रोड और ये रोंगटोंग वाला रोड। ये रोंगटोंग से हम लोग आगे ऊपर गिद्दा पहाड़ में आगे से जाओगे तो वो सेंट एंथनी के वहाँ से आएगा। सो यहाँ से रोपवे होने का बात था, पता नहीं कभी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ से सीधा रोहिणी पे रोपवे, सो दिस इज गिद्दा व्यू पॉइंट, जिसको आना है वो आ सकता है। यहाँ पे बादल पास ऑन हो रहा है, आई जस्ट लव दिस। ये सेशन मेरे को बहुत पसंद है जब नीचे से बादल रोड पे टकराते हैं, अंदर वो धुंधला धुंधला सा होता है, इट गिव्स ए अमेजिंग फील। बारिश गिरना चालू, और ये थोड़ा अच्छा खासा बारिश गिर रहा है ये तो मैं कहूँगा, जो काफ़ी चढ़ाई वाला। अभी तो रास्ता पूरा भीगा हुआ है तो आई एम डाउट, ये तो अपोलो अल्फा टायर है, इसमें तो वो ऑफ रोडिंग वाली ग्रिप नहीं है, बट स्टिल रोड हैव दो स्टोन्स जो ग्रिप का काम करेंगे। तो पहुंच चुके हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे देखो ये वाला व्यू है। सो आई हैव रीच्ड कर्शियोंग एंड अगर मैं इसका परफॉर्मेंस बोलूँ, आई रियली लव द परफॉर्मेंस, द वेट हैंडल्स और द पावर, द टॉर्क इट प्रोवाइड्स, द रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन। बट या आई मीन लाइक वंस यू क्रॉस 6000-7000 RPM व्हेन यू राइड कॉन्स्टेंटली यू फील अ लॉट ऑफ बजीनेस ऑन द हैंडल बार। रेस्ट द इंजन इज ओवर एग्जैजरेटिंग व्हाट आई फील, and because if I compare it with KTM and other machines, then when you cruise KTM machines at 90-100 you feel there's a lot of room to pull the gas, but over here you feel that the engine is just screaming, right? Not that screaming, but thoda sa aisa lagta hai ki ha engine ab scream karna chalu kiya hai, so that's the point. Apart from that the engine is very refined, the chain is on the right hand side, the disc is on the left hand side, एंड इट हैव गॉट अ रेडिएटर। हालांकि इसमें कूलेंट वो नॉर्मल वाले आते हैं तो इट टेंस टू हीट अप एज फास्ट एज पॉसिबल, और बहुत जल्दी वो रेडिएटर भी चालू होता है। रेस्ट हैंडलिंग इज़ रियली गुड, सीट इज़ रियली कम्फर्टेबल,
यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ रूम टू सिट, पिलियन के लिए भी है, यू ऑल्सो गेट अ ग्रैब रेल्स. तो आई मीन लाइक, या इन शॉर्ट इट्स अ वेरी गुड मशीन, पीपल यू आर लुकिंग फॉर इट, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, अगले व्लॉग पे, फ्रॉम कोशियांग टू दार्जिलिंग. बाय बाय.